गुड मॉर्निंग, मैं अभी आबू धाबी से दूसरी फ्लाइट पकड़ रहा हूँ जो कि मेरी है 10:45 की है। तो बहुत चलना पड़ता है पूरे एयरपोर्ट में, सुबह सुबह नींद भी पूरी नहीं हुई अभी तक, अच्छे से थक गया हूँ, देख सकते हो जैसे आँखें से जी गए। एयरपोर्ट अच्छा है आबू धाबी ना, बस सीधा सीधा चलते रहो, मॉर्निंग वॉक हो जाएगा। ये आबू धाबी एयरपोर्ट है, पूरे रास्ते आपको बाहर दिखेंगे ऐसे एटीएट के प्लेन खड़े हुए। ये अच्छा है, आप ये एक्सीलेटर ही ले लो क्योंकि बहुत चलना पड़ता है। मैं 8 से 9 टेक ले चुका हूँ, बार बार बीच बीच में बोल के इरीटेट कर रहे। तो मैं 6 बजे से यहाँ बैठा हूँ और अभी बज रहे 8:30 बज रहे और 9:15 से बोर्ड करूँगा मैं फ्लाइट, और फ्लाई करेगी 10:30 को। तो मैं जा रहा हूँ आबू धाबी से लंदन। तो मेरा सब चेकिंग हो गया है, अभी से बोर्डिंग का वेट कर रहा हूँ। विंडो सीट तो है नहीं, और आपको विंडो सीट मिली थी जब मुंबई से आबू धाबी आ रहा था तो देखा है आपने, काला दिख रहा था सब, बट सुबह थोड़ी देर के लिए दिखा था तो अच्छा था व्यू, ना बुरा नहीं था, बट कैमरा मेरे पास इतना अच्छा फ़ोन है नहीं कि अच्छा शूट आएगा, वो भी बहुत जल्दी ले लूँगा, ना कुछ टेंशन की बात नहीं है। तो अभी मैं अपनी फैमिली को अपना पहला व्लॉग भेजा था तो अच्छा लगा उनको, मेरा विघ्नेश जो भाई उसको बहुत अच्छा लगा। तो मैं ऐसे ही बनाऊँ, अपनी फैमिली के लिए बनाऊँगा ताकि देख सके वो भी कि मैं क्या कर रहा हूँ, किधर क्या है, मतलब कैसा सब काम करता है वो सब। इधर से भी व्यू अच्छा है एक्चुअली, इधर का यही वाली फ्लाइट है जो अभी रेडी हो रही है जाने के लिए। मेरे को एक मेरा एक फ्रेंड तो अभी जा रहा था तो मुझे इंडियन मिल गया जो वो भी उधर ही जा रहे हैं, तो उसको बोलता हूँ हाय बोले। तो ये भी उधर ही जा रहे हैं, उधर मेरे साथ मुझे एक तो मिल गया कि हम लोग साथ में देख सकते घूम सकते, मेरी आवाज़ आ रही नहीं होगी बिकॉज ऑफ फ्यूल की वजह से, क्या कर सकते हैं एयरपोर्ट में यही सब चलता है। तो मैं एयरपोर्ट में उतर गया लंदन में, तो ऐसे अभी हम लोग टर्मिनल 4 में हैं, तो अभी हम लोग को टर्मिनल 2-3 के लिए ट्रेन लेना पड़ेगा, तो वहीं जा रहे। इमिग्रेशन में बहुत लाइन था तो इसलिए लेट हो गया, तो मैं ट्रेन में बैठ के बनाता हूँ, फिलहाल अभी थक गया हूँ मैं वैसे। तो अभी टर्मिनल 4 पे है, तो टर्मिनल 2 के लिए हम लोगों ने ट्रेन लिया जो कि फ्री है, देख सकते हो फ्री सर्विस है टर्मिनल 2 जाने के लिए। तो वहीं से बस आएगी हम लोगों को लेने को, तो जाते चालू होने वाली है, मैं शूट करता हूँ।
पीओपी होटल पहुंचा अपना, तो उसका भी एक वीडियो बना देता हूँ। बहुत भीड़ था, बस भी लेट आई हम लोग को पिकअप करने के लिए, तो इसके लिए मैं वीडियो नहीं बना पाया, बट टाइम लाइस बना है मैं, तो वो वीडियो मैं ऐड कर दूँगा। 1402 तो रूम बता देता हूँ अपना मैं। तो ये रूम है, सबसे अंदर यही है कि फ्लश नहीं है, फ्लश है मतलब वो नहीं, जेट स्प्रे नहीं है। बस इतना सा रूम है, बाहर स्विमिंग पूल है, तो देखूंगा जाऊंगा तो जाऊंगा, ना थक गया हूँ, थोड़ा यहीं पे टाइम पास करके सो जाऊंगा, कल सुबह फिर जाना भी है। ठीक है, फिर रखता हूँ, थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ, मिलता हूँ फिर कल सुबह, या फिर अभी कुछ करूँगा, कहीं जाऊँगा तो उसका भी व्लॉग बना दूँगा। मैं अभी डिनर के लिए आया था, तो इधर ऐसा बुफे लगा है डेजर्ट वेजर्ट का, तो मैं तो खा लिया, बनाना भूल गया था तो बना रहा हूँ सलाद वलाद है सब। ये लेटेक्स बोलते हैं, और वो पानी पूरी का रहता है ना मसाला, उसकी सब्जी मीट बॉल है, राइस है। बाहर जा रहा था तो बाहर का भी शूट कर लेता हूँ, थोड़ा एक दो गलियाँ घूम के डाल देता हूँ। तो ये मेरा होटल था बाहर से, तो रेडिसन नाम है इसका। और गाड़ियाँ यहाँ नॉर्मल नहीं है, मतलब पता नहीं अजीब अजीब सी, मैं तो कभी सुना भी नहीं, ये पेगियोटो, और बड़ी बड़ी गाड़ी है ये, ऐसा छोटी नहीं है। और ये और मैं ऐसे टहलने निकले थे खा के, हाय हाय, इसको हाय बोलना पड़ता, भूल जाते हैं। और यहाँ की टैक्सी ऐसी है, ये टैक्सी है, पता नहीं क्या नाम है, ये भी पाउंड्स में ही चार्ज करेगी, 50 पाउंड जैसे, बहुत कुछ। बस यही होटल है, बाहर कहीं जाने का मन नहीं कर रहा, ठंडी हो गई है, तो वापस रूम में जा रहे हम लोग, तो रूम में बात करते हो। मैं बोलना भूल गया कि एटीएट एयरवेज में मेरे को मज़ा आया, मेरा फर्स्ट फ्लाइट था, अच्छा एक्सपीरियंस हो गया, क्योंकि बाद में व्यू भी अच्छा आया, मैं वो डालूँगा व्यू, एकदम बादलों के बीच में से जा रहे थे, एकदम बादल पीछे हुए थे, एकदम वाइट वाइट, और उसके ऊपर से जा रहा था फ्लाइट, तो मज़ा आया। और प्लस ऐसा लगता था जैसे शीशो में बैठे, तो बचपन में बैठते थे ऐसा ऊपर नीचे होता था ना झूला जैसा, वैसा एकदम। और सबसे अच्छा तो ये लगा मेरे को कि अल्कोहल भी फ्री था, वो अच्छा लगा मेरे को, बट मैं ड्रिंक नहीं करता तो मैंने नहीं पिया। बस मेरे को इतना ही बोलने का था। और एक और बात याद आया, मैं बेल्ट पहन के नहीं आया था, अच्छा हुआ नहीं पहन के आया, क्योंकि 10 बार चेक होता है, 10 बार उतारना पड़ता है एयरपोर्ट पे बेल्ट, तो जब भी आप ट्रैवल करोगे तो बेल्ट तो पहन के ही मत आना, क्योंकि बहुत बार 10 बार से ज़्यादा भी उतारना पड़ता है चेक करने के लिए, उतार उतार के रखो, इससे अच्छा तो पहनने का ही नहीं। जैसे मैं पहन के नहीं गया था, भूल गया था मैं, अच्छा हुआ भूल ही गया। और बाकी अभी खाना खा के आया था, बुफे था, बस इतना ही था, सोचा बाहर जाए, बट ठंडा हो रहा था, पूल में भी नहीं गए इसलिए, ठंडा हो रहा था पूरा एकदम मौसम, फिकल जाने का भी है। ठीक है, तो रखता हूँ, कल मिलते हैं, और क्या, बाय। सो ही गया था तो मेरी आँख खुली, तो मैंने ये देखा, बता देता हूँ आपको भी। नौ 20 हो रहा है और इधर अंधेरा हुआ ही नहीं अभी तक, बस यही बताने का था। एक और चीज़ बता देता हूँ, जैसे कि मैंने बोला था यूनिवर्सल चार्जर कैरी करने का, बिकॉज यहाँ पर भी वैसे ही पिन है, तो ये यूनिवर्सल चार्जर है, जो यूरो
रूप में काम आता है। ये पिन में अपना ये नहीं घुसता है, बस ये बोलने का था। तो कल जल्दी उठना है, कमर टूटी भी है, 7 घंटे की फ्लाइट में।